सृष्टि से जन्म मरण तक के काल में मनुष्य अनेक समस्याओं से जूझता रहता है। हर समय हमारे सामने एक नया प्रश्न उपस्थित होता है। ऐसी ही प्रश्नों की समस्या युधिष्ठिर के सामने यक्ष ने उपस्थित की थी। ऐसे प्रश्न जो हमारे वास्तविक समस्याओं के हल आज भी देते हैं। हम चलकर बहुत थक गए हैं बेटा युधिष्ठिर, क्या तुम जल ला सकते हो? जी माता श्री, अभी लाता हूँ। भ्राता श्री ठहरिए, मैं सभी के लिए जल लाता हूँ। भ्राता संभल के जाना, यहाँ बहुत हिंस्र श्वापदों का निवास है। अवश्य। अरे पूर्व की ओर पक्षियों का गमन अधिक है, वहाँ जल अवश्य होगा। रुको, ये मेरा तालाब है, मेरे अनुमति बिना तुम जल को छू नहीं सकते। पहले मेरे प्रश्नों का निरसन करो। तुम कौन होते हो जो मुझे जल पीने से रोकते हो? मूर्ख मनुष्य, बहुत देर हो गई है, अब तक नकुल आया कैसे नहीं? भ्राता श्री, मैं जाकर देख कर आता हूँ। नकुल, भ्राता नकुल। अरे नकुल, ये मूर्छित कैसे हो गया? अभी जल लाता हूँ। रुको, ये मेरा तालाब है, अगर जल पीना है तो प्रथम मेरे प्रश्नों का उत्तर देकर मुझे संतुष्ट करो। दुष्ट, छुप कर क्यों रहते हो? मेरे सामने आओ, मुझे जल पीने से कोई नहीं रोक सकता। अभी तक ये आए कैसे नहीं? मैं जाता हूं। रुको भ्राता, मैं जाकर देखता हूं, आप भैया और माता श्री की रक्षा करें। नकुल, सहदेव, भ्राता नकुल। अरे ये दोनों मूर्छित कैसे? भैया उठो, अवश्य उष्णता के कारण मूर्छित हुए होंगे, मैं अभी जल लाता हूं। रुको, मेरा तालाब है, यदि जल पीना चाहते हो तो मेरे प्रश्नों का योग्य उत्तर दो। कौन हो तुम? क्या तुम ही मेरे भ्राताओं की इस अवस्था का कारण हो? सामने आओ, मैं अभी तुम्हारे समक्ष जल पीऊंगा, हो सके तो रोक लो। मुझे बहुत चिंता हो रही है, मैं जल्दी से सभी को ढूंढ कर लाता हूं। अर्जुन, नकुल, भ्राता सहदेव। भ्राता, ये मूर्छित कैसे हो गए? कौन है जिसने मेरे भाइयों की ये दशा की है? सामने आओ। मनुष्य ठहरो, ये मेरा तालाब है, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, तभी तुम जल पी सकते हो। हे मूर्ख, मैं भीम हूं, तुम्हारी वीरता छिपके बोलने से ही दिख गई, तुम क्या मुझे रोकोगे? अभी जल पीता हूं। मूर्ख मनुष्य, अरे अब तक कोई आया कैसे नहीं? मुझे बहुत चिंता हो रही है, कहां गए होगे? अब मुझे जाना ही होगा। भीम, अर्जुन, नकुल, इतने घने जंगल में कैसे ढूंढूं? भ्राता, उठो भ्राता, ये मूर्छित कैसे हो गए? अभी जल लाता हूं। हे मनुष्य, यह मेरा तालाब है, अगर तुम्हें जल पीना है तो मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, अन्यथा इन मूर्छित लोगों की तरह तुम भी मूर्छित हो जाओगे। हे देव, मैं अवश्य आपके प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करूंगा। संसार में दुख का कारण क्या है? संसार में दुख का कारण लालच, स्वार्थ और भय है।
तो फिर ईश्वर ने दुख की रचना क्यों की है? ईश्वर ने संसार की रचना की है और मनुष्य ने अपने विचारों से और कर्मों से दुख और सुख की रचना की है। भाग्य क्या है? हर क्रिया हर कार्य का एक परिणाम है। परिणाम अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। यह परिणाम ही भाग्य है। आज का प्रयत्न कल का भाग्य है। क्या ईश्वर है? कौन है वह? क्या वह स्त्री है या पुरुष? कारण के बिना कार्य नहीं। यह संसार उस कारण के अस्तित्व का प्रमाण है। तुम हो, इसीलिए वह भी है। उस महान कारण को ही अध्यात्म में ईश्वर कहा गया है। वह न स्त्री है न पुरुष। सुख और शांति का रहस्य क्या है? सत्य, सदाचार, प्रेम और क्षमा सुख का कारण है। असत्य, अनाचार, घृणा और क्रोध का त्याग शांति का मार्ग है। सच्चा प्रेम क्या है? स्वयं को सभी में देखना सच्चा प्रेम है। स्वयं को सर्वव्याप्त देखना सच्चा प्रेम है। स्वयं को सभी के साथ एक देखना सच्चा प्रेम है। बुद्धिमान कौन है? जिसके पास विवेक है। चोर कौन है? इंद्रियों के आकर्षण, जो इंद्रियों को हर लेता है वही चोर है। नरक क्या है? इंद्रियों का दास्यत्व ही नरक है। अज्ञान क्या है? आत्मज्ञान का अभाव अज्ञान है। आकाश से भी ऊंचा कौन है? पिता। हवा से भी तेज चलने वाला कौन है? मन। मन की गति निरंतर जारी रहती है, इसकी गति को समझ पाना मुश्किल है। घास से भी तुच्छ चीज क्या है? चिंता। चिंता घास से भी तुच्छ चीज है। विदेश जाने वाले का साथी कौन है? विदेश जाने वाले की साथी विद्या है। किसके छोड़ जाने पर मनुष्य सर्वप्रिय बनता है? अहम भाव के छूट जाने पर मनुष्य सर्वप्रिय बनता है। संसार में सबसे बड़े आश्चर्य की बात क्या है? हर रोज आंखों के सामने कितने ही प्राणियों की मृत्यु हो जाती है, ये देखते हुए भी व्यक्ति अमरता के सपने देखता है, यही महान आश्चर्य है। भूमि से भी भारी चीज क्या है? संतान को कोक में रखने वाली माँ भूमि से भी भारी होती है, जिसका कर्ज कभी नहीं चुकाया जा सकता। मैं तुम्हारे उत्तरों से संतुष्ट हूँ। मैं इन चारों में से किसी एक को ही जीवन दूंगा। बताओ, किसे जीवन दूँ? मुझे मेरे चारों भाई बहुत प्रिय है, किंतु मैं कुंती माता का पुत्र अभी जीवित हूँ, तो मातृ माता के दोनों पुत्रों में से एक जीवित रहना ही चाहिए। हे यक्षदेव, कृपया नकुल को जीवित करें। तुम्हारे समभाव से मैं प्रसन्न हो गया। मैं तुम्हारे सभी भाइयों को जीवित करता हूँ।